अज़ीज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, हाजी तस्नीम आरिफ आपको दीन इस्लाम के एक से एक नए वाक़यात सुनाते रहते हैं। आइए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही नायाब वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ। ये वाक़या है जनाब कारी अनवार आलम के कलम से लिखा हुआ। इसका म्यूजिक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश श्री कैसेट इस्लामिक की है। लीजिए सामईन, ये वाकया जो मैं आपकी नजर करने जा रहा हूँ, ये वाकया है हजरत आयशा का हुजूर से निकाह और उनकी पाक दामनी का। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को शुरू से आखिर तक गौर से सुने, किस तरीके से मेरे आका ने हजरत आयशा से निकाह किया और फिर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह से आपके साथ अपनी जिंदगी के दिन गुजारे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब आप पर कुछ बहुतान भी लगा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में उस बहुतान के बारे में जब आयते जिब्रील अमीन के जरिए पहुंचाई हुजूर तक, तो फिर इस बात का खुलासा हो गया और उनकी पाक दामनी साबित हो गई। आइए, मैं यही सब बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुलाहजा कीजिएगा। हजरत आयशा का हुजूर से निकाह और पाक दामनी का वाकया। इसकी रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी ने की है और ये पेशकश है श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की। मुलाहजा कीजिएगा, वाकया हजरत आयशा का हुजूर से निकाह और पाक दामनी। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। सितारों में हो जैसे चांद।
दिन शब तक ख्वाब ये देखा शहेदी ने, मुझे तोहफा कोई देता है रब समझा शहेदी ने, मोहम्मद मुस्तफा के ख्वाब में जिब्रील आते थे, वो महबूबे खुदा को शक्ल नूरानी दिखाते थे। तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया, कपड़े में अखी जिब्रील लाते थे, तुम्हारी शक्ल मुझको ख्वाब में आकर दिखाते थे। हटा कर कपड़ा मैंने एक शब देखा तो वो तुम थी, तभी से अब तलक मिन जानी बेरब तुम मुअज्जम थी, ये बीवी आपकी है या रसूल अल्लाह, तुम्हारी ज़ौजियत को रब ने दी है या रसूल अल्लाह, कहा दिल ये मेरे एक दिन ऐसा भी आएगा, खुदा इस ख्वाब को सच्चा यकीनन कर दिखाएगा। निकाह को 3 साल आए हुई हिजरत मदीने को, कहा फिर अलविदा सरकारे दो आलम ने मक्के को, ये हिजरत का था पहला साल एक ऐसी घड़ी आई, नबी के गुलशन अजवाज में एक और कली आई, अम्मी आयशा की रुखसती के खूब मंजर थे, बहुत मसरूर ऐसे हाल में महबूबे दावर थे। नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की, नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की, नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की, वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की, वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की, वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की। दरगाहे नबूवत में रही वो 9 बरस सरकारे दो आलम की सोहबत में,
कदम संवरती थी। हदीसों का था उनको इल्म फिका, जानती थी वो बखूबी उन सभी का तर्जुमा, पहचानती थी वो हदीसें। 2000 और 210 उनसे रिवायत है, ये उनका मर्तबा है, वो बिला शक माए उम्मत है। वो कहती थी सभी अजवाज में जो मुझको बख्शी है फजीलत, वो किसी बीवी को भी रब ने नहीं दी है। नहीं फरमाया आका ने निकाह मेरे सिवा ऐसा, कुंवारी हूं मैं सब में सरवरे दी ने किया ऐसा। कभी लोगों में उल्फत से ना अपने वास्ते रोका कोई दिरहम भी चाहत से। कहा मैंने के रोजा दार हो कुछ तो बचा लेती, के अफतारी की खातिर गोश्त दिरहम से मंगा लेती। तो बोली आयशा पहले कहती तो बचाती मैं, तुम्हारे वास्ते बस गोश्त दिरहम से मंगाती मैं। इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी, इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी, इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी। समझती थी वो अशारे अरब को ये जहानत थी, समझती थी वो अशारे अरब को ये जहानत थी, समझती थी वो अशारे अरब को ये जहानत थी।
कामयाबी सब सहाबा मुस्कुराते थे। मदीने से जरा कुछ फासले पर मुस्तफा ठहरे, पड़ाओ डाला सबने उस जगह बदर तुजा ठहरे की बीबी आयशा भी साथ में। पुरकैफ मौसम था के भीगा भीगा रहमत की फुआरों में ये आलम था। गई हाजत से उम्मुल मोमिनी फिर एक गोशे में, वहां पर हार टूटा आपका वो ठहरी खित्ते में। हुई मसरूफ उसको ढूंढने में पर नहीं पाया, हुई जब देर काफी काफले ने कूच फरमाया। उठाकर खादिमों ने ऊंट पर वो कस दिया महमिल, है इसमें आयशा देखा नहीं खाली रहा महमिल। ये सोचा था सभी ने आयशा भी इसके अंदर है, हमारे साथ में सरकारे दो आलम है रहबर है। चीजें काफले की वो उठाने को रहा करता था पीछे, शख्स एक इन सब को लाने को। थे उस दिन हजरते सफवान वो पीछे से जब आए, जनाबे आयशा को जिस घड़ी देखा तो घबराए। पर काफले में आपको लाए, चले पैदल वो फिर हर हर कदम पर आप शर्माए। मुनाफिकीन ने देखा तो बदगोई शुरू कर दी, बयाने फासिदा की आग हर जानिब रुजू कर दी। उसमें आ गए फिर कुछ मुसलमान भी, जबां से कलमे बेजा अदा करते मेहरबान भी। रही बीमार हजरत एक महीना हाल खस्ता था, मुनाफिकीन की पाई खबर तो जब मर्ज उनका बढ़ गया वो इस कदर रोई। न थमते थे कभी आंसू वो शब दिन आंख भर रोई, वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी। बदगोई दिले बीमार पे नष्ट
कर चलाती थी। ये बदगोई जलेबी मार पे नशे कर चलाती थी। ये बदगोई जलेबी मार पे नशे कर चलाती थी। जिसमें अतहर को न क्यों महफूज बद औरत की वो सोहबत से रखेगा कि जिसने बदगुमानी वो मजा महशर में चखेगा। तहारत की बयां उस्मान गनी ने अर्ज किया था, नहीं पढ़ने दिया रब ने जमीन पर आपका साया। हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है, हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है, हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है, वो महबूबे आका है। बहुत से लोग इल्मे गैब पर उंगली उठाते हैं, जनाबे आयशा के हार की बाबत बताते हैं। नबी को इल्म गर होता तो सब किस्सा सुना देते।
कहाँ है आयशा का हार वो उस दम बता देते। ज़बां को रोक लो ये कुफ़रिया जुमले हैं बदवक्तों, वही के मुंतजिर थे आप तुम इस राज को समझो। बख्शे जाओगे तौबा अभी कर लो, भला होगा नबी के इश्क से महशर में तुम देखो। जन्नत में